हल्द्वानी में परिवहन विभाग अब एक्टिव मोड पर आ गया है। दरअसल प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा हल्द्वानी से काठगोदाम तक नैनीताल रोड में बड़े वाहनों की पार्किंग को एक सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद भी बड़े बसों और अन्य वाहनों की पार्किंग की जा रही है और इसी को देखते हुए नैनीताल रोड में बसों की पार्किंग करने वाले 40 वाहनों के परिवहन विभाग अब तक चालान भी काट चुके हैं। इसके तहत ही सिडकुल में चलने वाली अन्य बसों संचालकों और मैनेजर के साथ मीटिंग करके उन्हें निर्देश भी दिया गया था कि वो नैनीताल रोड से वाहन पार्किंग हटाकर अपनी पार्किंग स्वयं तलाश करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरटीओ नंदकिशोर का कहना है कि अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि नैनीताल रोड पर जो भी गाड़ियाँ गलत तरीके से पार्क हो रही हैं उनको हटाया जाए, तो उस क्रम में लगातार हमारे जो प्रवर्तन दल हैं वो प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। गत दिवस दो दिन पहले ही हम मेरे द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ज्वाइंट रूप से सर्वे भी किया गया था और उनके चालान भी किए गए थे। लगभग 40 वाहनों के चालान हुए हैं। हमने इस संबंध में मीटिंग भी बुलाई थी लोगों की, जो भी वहाँ पर जिनकी गाड़ी खड़ी होती है उन सबको बताया भी गया है। उसके बावजूद भी कुछ गाड़ियाँ वहाँ पाई जा रही हैं, तो उनकी चालान की धनराशि लगातार बढ़ाई जा रही है और जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार चालान की धनराशि बढ़ाई जाएगी। तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो वहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं कि वहाँ ना खड़ी करें, अन्यत्र अपने स्थान तलाशें और उस स्थान को मुक्त रखें ताकि वाहनों के जाम से बचा जा सके और सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके।